क्वेश्चन नंबर सेवन है, और क्वेश्चन नंबर सेवन आपको गिवन है, टेन इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस टेन इनवर्स रूट सी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि एक सूत्र है, और सूत्र यह है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, एक फॉर्मूला है। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है कि देखो, टेन इनवर्स एक्स की जगह आपके पास में जहां पर भी इसमें एक्स नजर आ रहा है वहां पे आपको रखना है रूट ए एक्स अपॉन बी सी, y की जगह आपको रखना है रूट बी एक्स अपॉन सी ए रूट, और जेड की जगह पे आपको रखना है रूट सी एक्स अपॉन ए बी। तो जहां पर भी आपको एक्स वाई जेड नजर आ रहा है वहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। तो यहां पर इसमें रखेंगे तो हमारे को मिलेगा देयर इंप्लाइज टेन इनवर्स, और ये हम इस तरीके से बना लेते हैं कि ये एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन रूट एक्स अपॉन बी सी, फिर प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे अपन रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे हम सी एक्स अपॉन ए बी, फिर ये माइनस का साइन है माइनस का साइन, उसके बाद में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू एक साथ रखेंगे तो एक्स की वैल्यू इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब यहां पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स अपॉन बी सी मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू रखेंगे तो बी एक्स अपॉन सी ए मल्टीप्लाई ये आपके पास में सी एक्स अपॉन ए बी, ठीक है ना। ये आप लोगों ने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी, अपॉन नीचे वाली टर्म में भी रखेंगे तो वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू हम रूट ए एक्स अपॉन बी सी इंटू वाई की वैल्यू रूट बी एक्स अपॉन सी ए, फिर माइनस का साइन है, फिर उसके बाद में वाई की वैल्यू यानी कि रूट वी एक्स अपॉन सी ए इंटू जेड की वैल्यू रूट सी एक्स अपॉन ए बी, फिर माइनस जेड की वैल्यू रखेंगे तो हम लिखेंगे भाई रूट सी एक्स अपॉन ए बी इंटू एक्स की वैल्यू रूट ए एक्स अपॉन बी सी, ठीक है ना। इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं भाई कि इस वाली टर्म को तो हम ऐसा कैसा लिखते हैं कि टेन इनवर्स, और ये वाली जो टर्म दे रखी है ना इस टर्म के रूट ये सभी के ऊपर नीचे रूट अलग अलग कर देता हूं मैं यहां से, तो सबका रूट अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा रूट ए एक्स अपॉन रूट बी सी प्लस ये हो जाएगा रूट बी एक्स अपॉन रूट ए सी प्लस रूट सी एक्स अपॉन रूट ए बी माइनस। इन सभी संख्याओं को मैं रूट के अंदर लिख लेता हूं तो यहां पर रूट के अंदर आएगा तो ये हो जाएगा भाई कि रूट देखिए यहां पर ए बी और सी और एक्स 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 यानी कि एक्स की पावर क्यूब और ए बी सी अपॉन यहां पर ए यहां पे रहा ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के अंदर ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन यहां पे हम क्या करते हैं कि वन माइनस इसको हम ऐसा लिखे भाई रूट देखो यहां पर ए बी एक्स स्क्वायर ए बी हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा अपॉन इसको भी हम रूट के अंदर अलग अलग कर लेते हैं रूट को, अपॉन यहां पर आपको मिलेगा सी स्क्वायर ए बी, उसके बाद में ये माइनस का यहां पर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर बी सी अपॉन नीचे आपके पास में आएगा
ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी सी माइनस, यहां पर मिलेगा आपको रूट एक्स स्क्वायर ए सी अपॉन, यहां पर हो जाएगा रूट बी स्क्वायर ए सी, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में हम यहां से कुछ चीजें कैंसिल है तो कर लेते हैं। देखिए यहां रूट बी सी आ रहा है, यहां पे रूट ए सी आ रहा है, यहां पे रूट ए बी आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि रूट ए बी सी लघुतम ले लेते हैं। तो पहले तो हम आप लोग इसको इतने से को ध्यान रखना, इसको हटा रहा हूं भाई मैं। हम क्या करते हैं भाई, यहां से यहां पे रूट ए बी सी कॉमन ले रहे, सॉरी टेन इनवर्स, यहां पर हम लिखेंगे भाई ये रूट हमने ए बी और सी लघुतम ले लिया, ठीक है ना। तो रूट बी सी का भाग इसमें देंगे तो रूट बी सी से रूट बी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाग कितने बार जाएगा रूट ए बी बार, सॉरी रूट ए बार, रूट ए को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पे ए रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, यहां पे हम क्या करते हैं कि रूट ए सी का भाग इसमें देंगे, रूट ए सी से रूट ए सी कैंसिल, रूट बी बार रूट बी को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बी रूट एक्स हो जाएगा, और सेम इसी टाइम पे यहां पर ये हो जाएगा सी रूट एक्स हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस हमने लगा दिया, ये एक्स क्यूब है ना, तो यहां पर एक्स बार निकल जाएगा और ये आपके पास में आएगा एक्स ए बी और सी, और यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी बार निकल जाएगा, ए बी और सी बार आ जाएगा अपॉन, यहां पे आपके पास में देखिए इस रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक्स अपॉन सी बार निकल जाएगा, तो वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस यहां से एक्स अपॉन ए माइनस का यहां से एक्स अपॉन बी, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करें तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स ये हमने ऐसा का साइन लिख दिया बटा ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स, और उसके बाद में हमारे को अच्छा इसमें एक यहां से हम एक काम करते हैं रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, रूट एक्स कॉमन निकाला तो यहां कितना हो गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा अपॉन यहां पे रूट ए बी और सी, ये माइनस एक्स है, और यहां पे देखो ये रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स रूट एक्स अपॉन नीचे कितना शेष बचेगा रूट ए बी सी सेक्स बच जाएगा, बटे में यहां पे वन माइनस यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा ए बी और सी एलसीएम आ जाएगा। तो ए बी सी एलसीएम आने के बाद में या फिर मतलब आप एलसीएम इसको ऐसा कैसे रहने दो एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स अपॉन बी, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें सवाल के अंदर एक कंडीशन दे रखी है बेटा आपको कि गिवन कंडीशन कि आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपको रखनी है बेटा x, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रखनी है x रखनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि tan इनवर्स और ये आपके पास में हो जाएगा रूट एक्स, और इसकी वैल्यू आप x रखोगे तो ये x रूट एक्स हो जाएगा अपॉन रूट ए बी सी माइनस ये आपके पास में x रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी अपॉन नीचे कितना है वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तो बिल्कुल एक जैसी है तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा जीरो, तो कुल मिला के आपको कितना मिल गया टेन इनवर्स, और ये टेन इनवर्स हो जाएगा जीरो बटे ये आपके बाद में वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन
ए और माइनस का एक्स अपॉन बी। अब आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको जीरो मिलेगा जनरली। कुल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा जीरो। और टेन में जीरो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, या आपके पास में टेन इनवर्स टेन पाई, और कुल मिला के ये आपके पास में कितना हो जाएगा, बेटा टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के कितना आ जाएगा पाई, इक्वल टू में राइट हैंड साइड, यही आप लोगों को लेके आना था पाई। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन है, या आप लोगों को करना है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको।